गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएलसी के जेईडीसीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेई मेंस का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। डीसीएम का पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस। आपके पास रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O4 पर P4O10 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये डीहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, PHC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, PH का फॉर्मेशन होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको रिड्यूस करेगा तो PH CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ए वाला बना है ना, उसको किसके साथ रिएक्शन किया, आपके पास बी के साथ रिएक्शन किया, तो ए प्लस बी के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, PH C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, PH है। ठीक है, प्लस साथ में क्या दे रखा है, PHCH2, यहाँ पे क्या है, OH, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ पे अटैक करके SN TH रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ से PHC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे OCH2PH का फॉर्मेशन होगा। ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो किसके अंदर दे रखा है, सेकेंड वाले में दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा है, बड़ा सेकेंड वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे सेकेंड प्रॉब्लम ध्यान दें, यहाँ पे एनिलीन दे रखा है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओगे तो आइसोसाइनेट टेस्ट में NC बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लेगा, NaCH3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है आपके अंदर फर्स्ट के अंदर, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए, थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, KOBr हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, CO हट जाएगा और यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बेटा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, इसका एक बार हम अगर वो चेक करें RS कॉन्फिगरेशन, तो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड है, ये वाला थर्ड है, और ये वाला आपके पास क्या रहा है, फोर्थ आ रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, और एंटी क्लॉक वाइज में इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो सा आ गया, एस। इसको एक बार चेक करते, तो 1 और यहाँ पे क्या आएगा, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये वाला क्या है, एस, लेकिन होगा कौन सा, आपके पास आर होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट है, इसका आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, फोर्थ प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चाहिए किसके साथ, फिनॉल के साथ, द प्रेजेंस ऑफ NOH। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिनॉल दे रखा है अपने पास और यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला प्लस एम ग्रुप, तो ये वाला बेसिकली सब्सट्रेट है, ये रिजेंट है, न्यूक्लियोफाइल पैरा पोजीशन के H+ को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्टूशन रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्टूशन रिएक्शन के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्टूशन रिएक्शन हो रही है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब आएगा, जब आपके पास इसमें आपके पास क्या आएगा, माइनस एम और माइनस आई ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप दे रखा है और NO2 ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आपके पास कौन सी आएगी, क्यू की रिएक्टिविटी होगी, तो क्यू केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा है, बेटा सेकेंड। ठीक, आगे चलिए, अगला वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन वाटर के साथ पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे NH2 होता तो तीनों पोजीशन पे, दो पोजीशन पे आ सकता था, लेकिन यहाँ पे NHC डबल बॉन्ड CH3 है, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो केवल एक पोजीशन पे आएगा, हाइड्रोलाइसिस किया तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला हट जाएगा, यहाँ पे OH- अटैक करेगा तो ये वाला NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NaNO2+ साथ में HCl इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे N2+Cl- आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H3PO4 है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा, N2+Cl- को पूरा रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे इस जगह पे Br और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। फाइनल प्रोडक्ट डी के बारे में पूछा है, आपको पूछा है इन द अबव रिएक्शन विच इज वन इज नॉट इन, कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, तो सही नहीं है, तो देखो सिक्वेंस के अंदर देखो, ए वाली बात करूँ मैं तो ए वाली बात तो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए वाली बात मैं अपने पास ये वाला आया, फिर बाद में बी वाली बात के अंदर
ध्यान दीजिए, तो बी वाली के अंदर आपके पास क्या आया था, हाइड्रोलाइज किया, तो ये वाली बात सही है, ठीक है ना। सी वाली बात क्या है, सही है, ठीक है ना। एंड डी वाली बात भी आपके पास क्या है, सही है, ठीक है ना। तो सही नहीं है तो ये वाला ऑप्शन किसी के अंदर मैच नहीं करेगा, तो ये बोनस में जाएगा भाई, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम बोनस में जाएगा, क्योंकि सिक्वेंस में मैं एग्जैक्ट बता नहीं रहेगा ए बी सी डी, और कौन सा सिक्वेंस में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सभी करेक्ट हो जाएंगे, तो इसमें ये वाला बोनस में जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगला प्रॉब्लम, इनवर्ट शुगर इज द मिक्सचर ऑफ, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है, इसमें डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आता है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सेवंथ प्रॉब्लम, क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो एस्टर दे रखा, तो एस्टर के अंदर जनरली एस एन टू रिएक्शन होती है, एस एन टू टी एच, यहाँ पे कोई एस्टर दे रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल किस जगह पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकेंड की आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर सेकेंड खत्म हो गया, थर्ड भी खत्म हो गया, ठीक है, और फोर्थ भी खत्म हो गया, तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलिए, अगला वाला प्रॉब्लम, ए कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 एंड KOH एक्स अमीन, अमीन दे रखा है, मतलब एक्स की रिएक्शन अपने पास Br2 प्लस NOH के साथ रिएक्शन करे तो Y दे रखा है, और जो Y जो है कार्बिलिमिन टेस्ट देता है, तो मतलब 1 डिग्री अमीन, इसका इसके हमने डाइजोटेशन किया है, उसके बाद में कपलिंग रिएक्शन दे रखा है, तो कपलिंग रिएक्शन देगा तो इसका मतलब इसके अंदर बेंजीन रिंग वाला ग्रुप जरूर होगा, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो है ना A X, ये आपके पास क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन प्लस एन एच के साथ रिएक्शन करेगा, तो अपमन डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगा, अपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एन एच टू आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बिलिमिन टेस्ट देता है, ये देता ही है, और कपलिंग रिएक्शन देता है, तो ये भी देगा, आपको एक्स के बारे में पूछा है, तो एक्स अपने पास क्या होगा, पी एच सी डबल बॉन्ड एन एच टू, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा गैप देना चाहिए था, इज करेक्ट अबाउट द सुक्रोज, सुक्रोज के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो सुक्रोज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टेनोज, सिंपल सी बात, इसके सुक्रोज जो बना होता है वो किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस साथ में आपके पास फ्रक्टोज से बना होता है, फ्रक्टोज में फेरिनोज फॉर्म होती है, ग्लूकोज में पाइरेनोज फॉर्म होती है, इसका जो है C1 लिंकेज होता है, जबकि इसका आपके पास कौन सा होता है, C2 लिंकेज, तो पहली वाली बात क्या हो जाएगी, एकदम सब दोनों अल्फा, इसकी अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म होती है, जबकि इसकी आपके पास कौन सी होती है, बीटा डी फ्रक्टोज फॉर्म होती है, ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता ही, म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर रहा, क्योंकि सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, फेलिंग सॉल्यूशन भी नहीं देगा, तो फर्स्ट आ जाएगा। टेंथ वाली प्रॉब्लम देखो भाई, क्या कह रहा है, सेलुलोज स्टेट चेन पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज बेसिकली बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करता है, तो देखो डी ग्लूकोज जॉइंट बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नहीं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज, इसका मतलब आप पास आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इलेवंथ वाली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इसमें सी एंड डी के बारे में बताना, देखते OH माइनस बेस है, बेस का काम करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N माइनस, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, आगे CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेगा और इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे क्या आएगा C2H5, ठीक है, इसका आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पे SNTH रिएक्शन हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, ये वाला आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड O CH, और ये वाला C2H5 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सी एंड डी के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड तो बनेगा नहीं, ठीक है, थैलिक एसिड प्लस इथैलिन बनेगा, एनिलीन बनेगा नहीं, और बेंजोइक एसिड बनती है, इसका आंसर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला HNO2 के साथ रिएक्शन किया, तो सिंपल सी बात, HNO2 के साथ N2 पॉजिटिव बनेगा, डाइजोटेशन रिएक्शन हो जाएगी,
कार्बोकटेन बनेगा और कार्बोकटेन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रिंग का एक्सपेंस हो जाएगा, तो रिंग का एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग बनेंगे OH पॉजिटिव, ये ऑक्टेट को कंप्लीट करवा देगा और ऑक्टेट को कंप्लीट कराएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो मतलब आंसर फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, डायरेक्ट याद रखने वाला है, ठीक है ना, बेसिकली क्लोरोजाइनिनॉल का बनाना है आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ये वाला दे रखा है, सेकंड में ये वाला दे रखा है, ये टर्पिनॉल नहीं है भाई, सेकंड वाला देखिए क्लोरोजाइनिनॉल, देखो जाइलिन का स्ट्रक्चर है तो ये वाला होता है, ये वाला जाइलिन का स्ट्रक्चर होता है, पहले एक जगह पे OH लेना है ठीक है ना, और यहाँ पे Cl लेना है, तो ऐसा तो स्ट्रक्चर इसके अंदर आ रही है, तो सेकंड वाला गलत हो गया ठीक है ना। फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए, तो फोर्थ वाले में ये क्लोरोजाइनिनॉल हो गया, ये टर्पिनॉल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। आगे चलिए, विच ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन दे रखी है, इसके अंदर बेंजीन को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि यहाँ पे CO चलाना है और यहाँ पे एनोड, तो हम पहले क्या कर लिए, बेंजीन के साथ हमने अगर बाय द वे CH3Cl के साथ रिएक्शन कराई फॉलोड बाय AlCl3 ले लिया, तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा ठीक है। अब मैं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और अगर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपको डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करा सकते, डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे तो एनोड ऑर्थो पैरा पोजिशन पर आ जाएगा ठीक है, तो हम ये वाला फेवर नहीं करेंगे, पहले इसको KMnO4 के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये वाला किस में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब आगे मैं नाइट्रेशन कर, तो CH क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सॉरी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इस केस में आपके पास मेटा पोजिशन पर आ जाएगा, तो ये वाला आपका सिक्वेंस हो सकता है। अगला वाला, पहले अगर मैं नाइट्रेशन कराऊँ ठीक है ना, तो पहले अगर मैंने नाइट्रेशन करा दिया तो इस कंडीशन में नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन में NO2- वाला ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर है, अगर मैं फ्रीडलक्राफ्ट ऐसे रिएक्शन कराऊँ तो नॉर्मली रिएक्शन होगी नहीं, एक्चुअली में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो रहा है ना, तब उस कंडीशन में ना तो फ्रीडलक्राफ्ट ऐसे रिएक्शन होती नहीं, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, तब उस कंडीशन में ये लाना पॉसिबल नहीं है मेटा पोजीशन, तो इसलिए आपका फर्स्ट सिक्वेंस ज़्यादा फेवर होगा, तो अपना ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो थर्ड के अंदर मैच कर रहा है, CH3Cl AlCl3 ले लिया, फिर KMnO4 लिया तो ये वाला आएगा, उसके बाद में HNO3 नाइट्रेशन करा दिया तो थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। 15 वाला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, कॉलम वन को कॉलम सेकंड से मैच कराना, तो सिंपल सी बात है, आपके पास पॉलीमर दे रखे हैं और उस पॉलीमर को मोनोमेरिक यूनिट के साथ सेटअप करना है ठीक है, बुना एन, सिंपल सी बात है, बुना एन 1,4-1,3-ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है, साथ में अक्रिलो नाइट्राइल प्रेजेंट होता है ठीक है, तो एक ऑप्शन मैच करेगा अक्रिलो नाइट्राइल प्लस साथ में ब्यूटाडाइन, तो इसका ई के साथ मैच कर लेगा ठीक है, तो वैसे तो आपका आंसर आ ही गया कि भाई ए का किसके साथ मैच करेगा, ई के साथ मैच कर लेगा, क्योंकि और ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर फोर्थ वाला आएगा। नाइलॉन C6 हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बना होता है, क्योंकि एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन होते और हेक्सामिथिलीन डायमीन में भी 6 कार्बन, तो बी का सी के साथ मैच करना चाहिए, तो बी का सी के साथ मैच करा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, बाकी दो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आंसर फोर्थ आ जाएगा ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, 16 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग एनालिसिस सेलेक्ट द ऑड वन बनाना है, देखो कोडीन मॉर्फिन एंड हीरोइन ठीक है ना, ये तीनों ही क्या होती है, बेसिकली एडिक्टिव नेचर शो करती है और नार्कोटिक्स ड्रग है, आपको पता ही है कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, हेरोइन और कोडीन जो होते हैं वो मॉर्फिन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, एस्पिरिन थोड़ा अलग हो गया है, नार्कोटिक नेचर शो नहीं करता, तो ऑड वन कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 प्रॉब्लम देखो, 4-नाइट्रोटोलिन दे रखा ठीक है, ध्यान देना 4-नाइट्रोटोलिन, ये टोलिन है और यहां पे 4 पे नाइट्रो लेना है ठीक है, Br2Fe दे दिया, तो Br2Fe में अपने पास और तो पोजिशन पे Br आ जाएगा ठीक है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ठीक है, SN+HCl ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेगा NH2 के अंदर ठीक है। आगे देखो NaNO2+HCl, तो जाहिर सी बात है ये किस में कन्वर्ट होगा, N2+Cl- के अंदर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, S3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है इसको पूरे को रिड्यूस कर लेगा, इस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, CH3Br आएगा और KMnO4 सॉरी यहाँ पे CH3Br ओके, और KMnO4 क्या है, KMnO4 अपने पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में कन्वर्ट कर लेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में, ऐसा ऑप्शन
किसी के अंदर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका आंसर नन आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, आंसर इसका क्या आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अपने पास क्या दे रखा है, NO2 दे रखा है, मेटापोजिशन पे तो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है जिसको एजिन रिडक्शन कहते हैं, और इसके अंदर जनरली हम सल्फाइड का यूज किया जा सकता है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। 20 वाली प्रॉब्लम क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट यील्ड एन अमीन, कौन सा अमीन नहीं देता है, ठीक है, ये बताना है। सिंपल सी बात, ये वाला अमीन दे सकता है, ठीक है, NH2, वो बात अलग है कि आगे और रिएक्शन करके 2 डिग्री अमीन बना देगा, 3 डिग्री अमीन बना देगा, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। ये वाला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, जाहिर सी बात है रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे RCH2 पहले तो क्या बन जाएगा, NHOH, और फर्दर रिडक्शन कराओगे तो RCH2OH आ जाएगा, ठीक है, सॉरी NH2 आ जाएगा, तो ये अमीन बन जाएगा। RCN का हाइड्रोलाइसिस किया तो सिंपल सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, हमको अमीन चाहिए था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो कौन सा सही नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा एमाइड का रिडक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट द्वारा तो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो आपका आंसर कौन सा है बेटा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 21, सिंपल ट्राइपेप्टाइड कंपोज ऑफ 3 डिफरेंट अमीनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड होंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड ले रहे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, अपने पास अवेलेबल अमीनो एसिड कितने 3 है और तीनों डिफरेंट ले रहे हैं, तो इसको कितने ट्राइपेप्टाइड बना तो 3 अमीनो एसिड होंगे, इसको 3 टाइम्स 3 तरीके से बढ़ सकते हैं, इसको 2 तरीके, एक यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और जब फिक्स हो चुका है तो इसका मतलब इसको वापस यहाँ पे रिपीट नहीं करना है, फिर बाद में इसको कितना तरीके से 1 तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी, तो आंसर कितना आएगा, 6 वाला आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 22, क्या कह रहे हैं, एंड सॉलिड स्टेट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज द, जाहिर सी बात है सॉलिड स्टेट के अंदर अमीनो एसिड ज्यूटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कैटायनिक फॉर्म एनायनिक फॉर्म भूल जाए, ज्यूटराइन में कैटायनिक पार्ट भी होता है और आपके पास कौन सा होता है, एनायनिक पार्ट भी होता है, ठीक है, तो आंसर सेकंड, ठीक। आगे चलिए 23, यहाँ पे कुछ चिरो रिएक्शन दे रखी, अल्काइन का अगर आप हाइड्रेशन कराते हो तो ये एक जगह पे OH और एक जगह पे H ले लीजिए, और इसका टोटोमराइज करोगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा, ठीक है। आगे हमने क्या किया, NH3SCN के साथ रिएक्शन करोगे तो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट में आप क्या बनाने की पॉसिबिलिटी, तो उन्होंने बाद में हाइड्रोलाइज, तो पहले देखो CN- का आपने अटैक किया यहाँ पे, तो आप OH आएगा पहले और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, CN और यहाँ पे CH3। आगे देखो साथ में अमोनिया भी दे रहेगा, तो अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, OH। अब देखो इसको हाइड्रोलाइज किया, और हाइड्रोलाइज किया तो CH जो है वो CN जो है वो CH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, एलेनिन का स्ट्रक्चर है, तो आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड आ जाएगा, ठीक है भाई। 24th वाला प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन आर फॉल्स, आपको बताना है लो डेंसिटी पॉलीथीन के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें फोर्थ वाले की, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स एंड डस्टबिन। पहले एक बात बताऊं, LDPE जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल केबल से उसमें बनाने में काम आते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो बकेट्स बनाने में काम आती है, तो आपका आंसर तो कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, फॉल्स का मतलब इनकरेक्ट। बात तीसरे की करें तो ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज रहता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर बेसिकली जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं, इसके अंदर डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही सही है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बात सही, तभी तो इलेक्ट्रिकल केबल के रूप में यूज किया जाता है और इसमें हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट होता ही, तो आपका आंसर फॉल्स स्टेटमेंट फोर्थ आ जाएगा, ठीक है भाई। 25, नेचुरल रबर में आइसोप्रीन, जाहिर सी बात है जब पॉलीमराइज होगा तो सिंपल सी बात है जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं ना उनका कॉन्फिगरेशन कौन सा होता है, सिस कॉन्फिगरेशन होता है, तो थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 26, प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड, बताना है पॉलीएमाइड कौन सा है,
सिंपल सी बात है, जिसमें एमाइड यूज हो एज ए मोनोमेरिक यूनिट की फॉर्म, नाइलॉन 6 के अंदर यूज होता है, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 27, द सब्सटेंस विच रिलीव एनेक्सिटी, रिड्यूस मेंटल टेंशन, इंड्यूस स्लीप। सिंपल सी बात है, ट्रैंक्विलाइजर का जो यूज होता है ना, वो किसके लिए होता है? मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने में यूज होता है। ठीक है, आगे चलिए। 28, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज पॉपुलर। सिंपल सी बात है, आपके पास क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का ब्रोमाइड दे रखा है। ठीक है, ये क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसका ब्रोमाइड आ जाए या फिर एसिटेट आ जाए या फिर क्लोराइड आए, तो ये बेसिकली कैटायनिक डिटर्जेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि कैटायनिक वाला पार्ट जो होता है ना, वो क्लिंचिंग एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट है। 29, क्या कह रहे हैं? द रिएजेंट डेट कैन बी कन्वर्टेड, यूज टू कन्वर्ट बीडीसी इंटू बेंजीन। आपको बताना है क्या है, ये N2+Cl-, ठीक है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो रिएजेंट है, एक तो CH3 इथेनॉल ले लिया और एक आपके पास क्या ले लिया, S3PO2। तो आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आ जाएगा, बी एंड सी। ठीक, अगला NBS, देखो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड का फॉर्मूला ये है, सी डबल बॉन्ड ओ NH, N ब्रोमो मतलब BR ले लिया। ठीक है, KOBR को मतलब NOH प्लस साथ में BR माइनस ले लेता हूं। ठीक है, एक तरह से BR2 ले लो। ठीक है, KOBR का मतलब OH माइनस क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो OH माइनस यहां पे अटैक करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पे O माइनस और अल्टीमेटली यहां पे NHBR आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करो तो ये C डबल बॉन्ड O हट जाएगा, तो C डबल बॉन्ड हो जाएगा तो यहां पे बाद में अल्टीमेटली NH2 आ जाता और ये वाला CO माइनस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो केवल और केवल किस में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, तो आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। देखो इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है ये वाली प्रॉब्लम्स, आगे जो सेक्शन बी वाला जो इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है इसको कैसे करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द ट्रीटमेंट विथ HN2 हाउ मेनी अमीनो एसिड इन द फॉलोइंग इज एनालाइज बाय एस्टिमेशन ऑफ N2 गैस। ठीक है, आपको बताना है बेसिकली N2 गैस किसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो N2 देखो इसके अंदर निकल सकती है, सेकंड डिग्री अमीन के अंदर निकलने के चांस कम रहते हैं, ये 1 डिग्री अमीन ये हो जाएगी और ये भी 1 डिग्री अमीन ये निकल जाएगी, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, क्योंकि साइक्लिक वाले जो नाइट्रोजन है ना वो आराम से वहां से हटने की टेंडेंसी कम रखती है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, HN2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो HN2 में 2 डिग्री अमीन के अंदर तो क्या होगा, N नाइट्रोसो अमीन बन जाता है, जबकि 1 डिग्री अमीन आ जाए तो N2 पॉजिटिव बन जाएगा और N2 पॉजिटिव वहां से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में हट जाएगा, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए बेटा, PK1, PK2 एंड PK3 वैल्यूज ऑफ अमीनो एसिड दे रखी है सिस्टाइन की। ठीक है ना, आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में आपको जो बेसिक वाला पार्ट है उसको नेग्लिजिबल मानना है, तो एसिडिक वाले पार्ट 2 आ रहे। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, PK1+PK3 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, PI की वैल्यू, PK1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.9 प्लस PK3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.8 डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड वाला, फॉर 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन यूज टू फॉर्म ग्लूकोसोन, मतलब ग्लूको ओसाजोन बनाना एक तरह से, तो ओसाजोन का फॉर्मेशन के लिए देखो आपको ये तो पता है CHO, ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे CH2H OHH OHH HOH, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा OHH। ठीक है, तो बेसिकली फिनाइल हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एक फिनाइल हाइड्रोजन का मोलिक्यूल इसको ऑक्सीडाइज करने में काम आएगा और 2 फिनाइल के मोलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो टोटल कितने 3 मोलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर कितना आएगा बड़ा, 3। ठीक, आगे चलिए। फोर्थ वाली बात, हाउ मेनी पॉलीमर्स इन विच बायोडिग्रेडेबल बताने, देखो PN बायोडिग्रेडेबल नहीं, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, PVC नहीं, पॉलीलैक्टिक एसिड है, PHBV है, PTFE ही नहीं, नाइलॉन 6 नहीं, नाइलॉन 6-6 नहीं, नाइलॉन 2-6 है भाई, ठीक है, NCERT में लिखा हुआ नाइलॉन 2-6 और बेकलाइट नहीं, तो इसमें कितना आंसर आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा बेटा। ठीक, आगे चलिए।
फिफ्थ वाली बात, हाउ मेनी ऑफ देम विल फॉर्म अल्काइल आइसोसाइनेट एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है ना, किस किस रिएक्शन में अल्काइल आइसोसाइनेट मतलब आर एन सी ओ क्या बनता है एज ए इंटरमीडिएट की होम में बनता है, ठीक है, देखते हॉफमन ब्रोमाइड में बनेगा, ठीक है ना, लोसल रिएजमेंट में होगा, गैब्रियल थैलीमाइड में नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना, हेलोफॉर्म में भी नहीं बनेगा, कर्टियस में बन जाता है आर एन सी ओ, क्लेसन स्मिथ में बनता है और राइमर टाइम में नहीं बनता, परकिन में भी नहीं बनता, जिसका आंसर कितना आएगा चार ऑप्शन, तो चार आ जाएगा, ठीक है भाई, आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आपको बताना है कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, देखते देखो सबसे पहले C2H5OH ये वाला देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, एसिडिक हाइड्रोजन वाला दे देता है, ठीक है, ये वाला दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, एसिडिक हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है, और ये वाला नहीं देगा भाई, ठीक है, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, तो कितना ऑप्शन आ रहे, ये 1 2 3 4 5 एंड आपके पास कितना होगा 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 5 आ जाएगा, ठीक है, आगे चलिए सेवन प्रॉब्लम, हाउ मेनी कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला ए गिव एनेंसियमर अल्कोहल ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, आपको क्या पूछा है कि प्रतिबिंब समावी अल्कोहल देंगे, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या दे रखा है C5H10O, ठीक है ना, विल गिव एनेंसियमेरिक अल्कोहल, तो पहले इसके आपको क्या बनाने पड़ेंगे, इसके आपको बनाने पड़ेंगे जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर वो बनाने पड़ेंगे, देखते पॉसिबल स्ट्रक्चर 1 2 3 4, कार्बन कितना रहे 5 आ रहे भाई, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड एच आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डीयू की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो डीयू की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये वाला आएगा, इसका रिडक्शन करने पे अपन को एनेंसियमेरिक फॉर्म देने चाहिए, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, 4 कार्बन की चेन ले ली हमने, एक स्ट्रक्चर ये वाला बना दिया, ठीक है, फिर बाद में अपन ने क्या की 3 कार्बन की चेन बना दी, ये वाला स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, अच्छा इसको भी अपन आगे चेंज कर सकते हैं और ब्रांच ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एच ले लिया ये वाले, फिर बाद में हम कीटोन वाले भी स्ट्रक्चर बना सकते, तो कीटोन वाले में 5 कार्बन की 2 2 4 1 5 डबल बॉन्ड ओ ले लिया, इसका ब्रांच वाला फॉर्म बना, तो यहाँ से क्या आएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी आ गया, ठीक है चलो, अच्छा इसके अलावा मैं इसको बीच में भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं 5 कार्बन को साइड में ले लिया बीच में ले लिया तो ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ ही, अब इसका रिडक्शन कराना है, तो इसका रिडक्शन कराओगी तो यहाँ पे अल्कोहल जो बनेगा तो इसमें एक कायरल कार्बन आएगा और एक कायरल कार्बन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा एनेंसियमेरिक फॉर्म देगा, ठीक है, तो ये वाला सही स्टेटमेंट, क्योंकि सी एच ओ एच एक सेकंड सॉरी यहाँ पे ओ एच है और यहाँ पे एच आया तो एच एच सेम हो गए ना, तो ये नहीं देगा भाई, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं देगा, फर्स्ट क्रॉस कीजिए, सेकंड वाली बात करते और यहाँ पे इसका रिडक्शन करोगे सी एच टू ओ एच तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, आगे देखिए इसके अंदर यहाँ पे रिडक्शन करोगे तो सी एच टू ओ एच आएगा, इधर सी एच ये वाला कायरल कार्बन बनेगा यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद, तो ये ऑप्शन में आएगा भाई, ठीक है, आगे चेक कर लिए ये वाले में रिडक्शन करोगे तो सी एच टू एच ये इसमें कायरल कार्बन नहीं देगा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सी एच ओ एच आएगा तो सी एच ओ एच तो एक कार्बन कायरल कार्बन है तो ये होगा, आगे देखिए यहाँ पे सी एच थ्री है इस जगह सी एच ये भी देगा भाई, क्योंकि सी एच थ्री सी एच ओ एच आएगा तो एक कायरल कार्बन बनेगा, इसमें कायरल कार्बन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम आ गए तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो अपने पास कितने ऐसे कंपाउंड थे जो एनेंसियमेरिक एल्कोहल दे रखे थे, तो अपने पास एक तो ये वाला हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसके आंसर कितने आएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है, आगे चलिए एट्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नंबर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है यहाँ पे सीएल जो दे रखा है ना, तो पहले सिंपल सी बात है ये वाला यहाँ पे अटैक करके उसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे ये वाली एक रिंग बन जाएगी एस सी एस थ्री यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे कार्बन नंबर 14 आ जाएगा, ठीक है ना, बेसिकली ये एंकीमेरिक असिस्टेंट का एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ पे एन एस थ्री का अटैक करूँ तो यहाँ पे भी अटैक हो सकता है और उस साइड से भी अटैक हो सकता है, दो सदस्य होता है, तो पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी 2 आएगी, तो अमीन कितने बनेंगे 2, तो आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक, आगे चलिए नाइन्थ वाला प्रॉब्लम देखिए, अपने पास ये वाला दे रखा है डायल्यूट KOH के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो सिंपल सी बात है डायल्यूट KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्फा हाइड्रोजन दे रखा है ये एच प्लस लेगा, तो एच प्लस लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज दूसरे के साथ अटैक करेगा, तो दूसरे के साथ इसका कॉन्फिगरेशन में आपको चेंज नहीं करना भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स दे रखा है यहाँ पे एच है और ये सी एच थ्री आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे सी एच टू आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सी एच टू, इस पर दूसरे मोलिक्यूल पे अटैक करे तो यहाँ पे सी एच
OH बन जाएगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH2 इसके कॉन्फिगरेशन कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो नया कायरल कार्बन कितना जनरेट हो गया, दो कायरल कार्बन जनरेट हो गए, इसके कॉन्फिगरेशन कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। दो कायरल कार्बन जनरेट हो गए तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, चार आएंगे, तो इसमें चार आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, टेंथ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अपने पास HI के साथ रिएक्शन करानी, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। पहले तो देखो नंबर ऑफ, इसमें ऑप्शन दे रखे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड, ठीक है। अगला कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 जनरेटेड, नंबर ऑफ फ्रैक्शन विच कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इतना सारा प्रॉब्लम्स दे रखा है, और साथ में हीट और दे रखा, फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखते सबसे पहले अपन लोग बात करें ना, तो ये वाला आई में जाएगा, ये भी आई में जाएगा, सॉरी फाइव सिक्स में फाइव मेंबर रहेंगे, और ये भी आई में जाएगा, और यहाँ पे कार्बन नंबर 14 दे रखा, ध्यान सुनना, यहाँ पे ये वाला दे रखा है, तो इसके तीन मोल तो यहीं पे कंज्यूम हो गए, HI के तीन मोल कंज्यूम हो गए भाई, ठीक है ना। HI के तीन मोल कंज्यूम हो गए, HI के साथ रिएक्शन किया, ठीक है ना। यहां से जाएगा आपके पास I2, तो देखो HI के तीन मोल, HI तीन मोल कंज्यूम हो चुका है, ठीक है ना, और यहां से I2 कितना गया, एक मोल अभी गया, I2 अभी एक मोल गया, ध्यान सुनना, एक मोल I2 गया, पहली बात। फिर यहां से जो बनेगा ना अपने पास प्रोडक्ट, ये वाला सॉरी ये फाइव मेंबर रहेंगे, अपने पास फाइव मेंबर रिंग ले ली, यहाँ पे I, ये डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन 14, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, I आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं इसको I2 को यहाँ से हटाऊं तो भी बात एक ही होगी, इसलिए दोनों जगह से हटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। आप इधर से हटाइए या फिर इधर से हटाइए, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। फिर वापस HI एक और बार रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो सिंपल सी बात है, HI जब एक बार और रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे I आएगा 14 वाला, और यहाँ पे भी I आ गया। अब देखो एक बार और रिएक्शन किया तो HI के कितने मोल आ गए, आपके पास चार मोल आ गए, कितने आ गए, चार मोल, ठीक है। अब HI के चार मोल आ गए, उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस I2 हटाओगे, तो कितने मोल I2 हट गए, दो मोल I2 हट गए, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना ना वो आपके पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 14 आ गए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के पास इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती, फिर वापिस क्या करेगा, एक बार और HI अटैक करेगा, एक बार और HI कटेगा, तो I यहाँ पे आ सकता है, कार्बन 14, और यहाँ पे I आ सकता है, ये 14 है, और यहाँ पे ये तो इधर की तरफ आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कार्बन 14, और यहाँ पे I आ सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, एक HI और यूज हुआ, तो HI के कितने मोल की जरूरत पड़ गई, अपने पास 5 मोल की, ठीक है। अब आगे और रिएक्शन नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो हम अगर बात करें ना, I2 कितने मोल रिजेक्ट, एक बार इधर की तरफ गया और एक बार इधर की तरफ से गया, ठीक है ना, और फिर बाद में वापस I2 आपने नहीं हटाया, केवल रिएक्शन किया, तो दो मोल I2 हट गए, तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 जनरेट, तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी का आंसर दो आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड कितना होगा, देखो अभी हमने बताया 5 मोल, तो 5 मोल कंज्यूम होगी, ठीक है। बी का आंसर 5, सी का आंसर 2। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, लास्ट में अपने पास दो प्रोडक्ट बन रहे, एक तो ये वाला और आपके पास ये वाला, लेकिन यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, इस जगह पे कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो कायरल कार्बन तो इसको दो बार कंसिडर करना पड़ेगा, तो दो और एक तीन, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तीन बन जाएंगे, ठीक। आगे देखो, नंबर ऑफ फ्रैक्शन विच कैन बी ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, कायरल कार्बन आया तो उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं कंसिडर कर सकते एज ए फ्रैक्शन के रूप में, तो अपने पास इसको एक और इसको दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, दो आएगा, बाकी इसको आपको जोड़ देना है, ठीक है। आगे चलिए, अब हम जेई एडवांस का DCM का प्रॉब्लम करते हैं, एडवांस पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि सेकेंडरी अमीन इसके साथ रिएक्शन करते हैं, पैराग्राफ दे रखा, सिंपल सी बात है, यहां पे 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन करेगा, तो यहां पे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो एक्स वाला क्या बनेगा, देखो यहां पे OH आया और यहाँ पे N CH3 आया। अब देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, बीटा पोजीशन से H+ ले लेगा, और बीटा पोजीशन से H+ लेगा, तो यहाँ पे ये वाला हट जाएगा, तो एक तरह से अपने पास ये इनेमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, स्टार्क इनेमीन रिएक्शन है। अब क्या होगा कि ऐसे एलाइल पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनेमीन में ध्यान रखें ये न्यूक्लियोफाइल, कार्बन न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बेसिकली इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं, एन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है ना, और ये वाला जो है वो कहां पे अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करे तो इसको हटा देगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो यहां पे आपके पास N पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और इस जगह पे C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हाइड्रोलाइसिस में ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, तो
तो यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। सेकंड क्या कह रहा है, अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे अटैक करेगा, एक बार अटैक करेगा तो यहां पे आपके पास OH, यहां पे NCH3CH3, फिर बाद में दूसरा अमीन जो है ना बेस की तरफ बिहेव करके यहां से H प्लस हटाएगा, तो यहां पे कुल मिला के H2 हट जाएगा, तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा, एक तरह से डबल बॉन्ड, और यहां पे NCH3CH3। ठीक है ना, अब देखो इसमें ये रेजोनेंस में आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, कार्बन माइनस। ठीक है ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NCH3, यहां पे CH3, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर रिएक्शन कहां पे करा रही, इसके ऊपर करा रही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म है, ये वाला माइनस जो है ना न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करके यहां पे अटैक करेगा, 1,4 एडिशन शो कर लेगा। ठीक है, तो इस जगह पे आपके पास क्या आएगा, देखो यहां पे डबल बॉन्ड NCH3CH3 पॉजिटिव, इसने अटैक किया उस कार्बन पे CH2, और यहां पे CH ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और N ये O माइनस, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O की फॉर्म रहेगा। ऐसा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो केवल और केवल किस में करा, थर्ड, तो आपका आंसर कौन सा आएगा बेटा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए थर्ड, और इसमें ये वाले फोर्थ में अगर हाइड्रोलाइसिस किया हुआ होता ना पहले, तब अपन इसको हटा सकते थे, लेकिन इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं दे रखा है, इस वजह से अपना आंसर कौन सा आएगा, थर्ड ही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। पैराग्राफ अगला, एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन दे रखी, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, और डाइजोनियम सॉल्ट का यूज किसमें किया जाता है, कपलिंग रिएक्शन में किया जाता है। ठीक है, अपने पास फिनोल के साथ रिएक्शन का क्रम बताना है, तो जब रिएक्शन करते फिनोल या फिर एनिलीन या फिर जब भी डाइजोनियम सॉल्ट करता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट किसकी तरफ बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साथ में जो सामने वाला है ना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें आ रही है, सेकंड के अंदर आ रही है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा सेकंड में आएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही हट गया, सेकंड वाली बात। उसके बाद में NH2, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कम्पेयर टू OH, इसलिए सेकंड रिएक्टिविटी क्या आएगी, फोर्थ की आएगी, तो सेकंड के बाद में कौन सा आना चाहिए, फोर्थ, तो फोर्थ आना चाहिए, तो ये भी हट गया और आपके पास ये भी हट गया, फिर बाद में कौन सा आएगा, फर्स्ट, इसके बाद में थर्ड, तो आंसर कौन सा आएगा, थर्ड। ठीक, आगे चलिए, क्या कह रहा है फोर्थ वाला प्रॉब्लम, यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट में रिएक्टिविटी, तो मैंने बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा आपके पास, NH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रहेगा, तो थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आएगी, ऐसा ऑप्शन फोर्थ में नहीं दे रहेगा, थर्ड की सबसे ज्यादा बड़ी। उसके बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से उसके बाद में रिएक्टिविटी किसकी आएगी, आपके पास फोर्थ की आएगी, तो थर्ड के बाद में फोर्थ की आनी चाहिए, तो आपका आंसर नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला हट गया। हम बात करते हैं OCH3, ये प्लस M शो करता है, ये वाला प्लस M शो नहीं करता, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होता है, सेकंड वाला, इसके बाद में फर्स्ट की रिएक्टिविटी आनी चाहिए, तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी उसके बाद में आपके पास कौन सी आएगी, सेकंड की रिएक्टिविटी, तो आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। आगे चलिए, अगला वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपके पास पैराग्राफ दे रखा है कि अल्किन दे रखा है, इसका ओजोनोलिसिस किया तो अपने पास ये आया, और इसके साथ रिएक्शन किया तो अपने पास ये, तो NaOH प्लस I2 आइडोफॉर्म टेस्ट है, और आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर सिंपल सी बात है, ये वाला बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या रहा होगा, PHC डबल बॉन्ड O CH3 रहा होगा। ठीक है ना, और मतलब भी ये हो गया, अब आपने ओजोनोलिसिस करा है तो सिंपल सी बात है, ओजोनोलिसिस कराओगे तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रहे होंगे, तो PC यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा C PH, और इस जगह पे CH3, ये वाला आपके पास ए रहा होगा। ठीक है, फिर बाद में आप लोगों ने क्या किया कि ये जो बी है ना इसको रिड्यूस किया, ये क्लेमेंसन वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है, और वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे PHCH2CH3 बना होगा। अब ए के बारे में क्या ख्याल है कि ए के बारे में ये कि ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मिक्स ऑफ रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट बनना है वो रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, और रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब इसके अंदर रिडक्शन करा इस टाइप का, तो अपने पास रिजॉल्वेबल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे पीएच ले लिया, यहाँ पे पीएच ले लिया, HS सामने नहीं ले सकते, तो यहाँ पे ऑपोजिट में लेना पड़ेगा, और ऑपोजिट में लेने का मतलब क्या है कि अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर बाय द वे CH3 सेम साइड में लेते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, हमको ऑप्टिकली एक्टिव चाहिए, तो अब ये वाले में क्या होता है H2PD में सिन एडिशन होता है, और सिन एडिशन में ये वाला सिस होना चाहिए, सॉरी सिस होगा तब तो मीजो वाला बन जाएगा, और ट्रांस होगा तो क्या बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, तो अपने पास ये जो होना चाहिए ना, ये सिस ना होकर ट्रांस होना चाहिए, मतलब PHC डबल बॉन्ड C PH ऑपोजिट में होना चाहिए, तो ये वाला अल्किन अपने पास कौन सा होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए। अब देखो
ऑप्शन क्या क्या है जरा ध्यान देना। यहां पे अपने लोगों ने क्या किया, जैसे कि ये वाला किया, पहला ऑप्शन क्या ए को पहचान, ए वाला आपको कौन सा चाहिए, ट्रांस चाहिए। तो ट्रांस किस में आ रहा है, देखिए ट्रांस आपके पास आ रहा है, अपने पास इसमें आ रहा है, देखो ये तो सिस हो गया और ये वाला ट्रांस हो गया। देखिए अब CH3 CH3 ऑपोजिट, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि सी की रिएक्शन KMnO4 के साथ करी। हमने सी कौन सा बताया, देखो एक बार ये चेक करना पड़ेगा। तो सी की रिएक्शन किसके साथ करी, KMnO4 के साथ करी। तो सी अपने पास ऐसा था, एक बार मैं हटा देता हूं इसको। अभी हमने सी जो बनाया था ना वो ये वाला बनाया था, ठीक है इस टाइप का, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3। इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करोगे कंप्लीट चेंज जो है वो CH में कन्वर्ट हो जाएगी, और कंप्लीटली चेंज CH में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अपना आंसर कौन सा रहा, ऐसा फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं, तो इसका आंसर कौन सा है बड़ा, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, पैराग्राफ नंबर 4। ध्यान दें, अपने पास ए वाला दे रखा, देखो ये ए दे रखा, ये 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। 2,4 डीएनपी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। आगे क्या कह रहा है, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं दे रहा फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब ये कीटोन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, फिर बाद में H2PD दे रखा है, तो साइड सी बात है कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होकर एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, तो डिहाइड्रेशन होगा उस एल्कोहल का, और ओजोनलेस का तो एक पार्ट दो पार्ट में रिडक्टिव ओजोनलेस से, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल सल्फाइड दे रखा है। ठीक है, और ये दोनों को इन्होंने क्या बताया, फंक्शनल आइसोमर बताया, ए सी डी एंड ई को क्या बताया इन्होंने, फंक्शनल आइसोमर बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल आइसोमर। ओजोनलाइसिस में अपने पास सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। और फिर इन्होंने ये बताया कि जो ई जो है ना, ई को OH- के साथ, OH- के साथ मतलब एल्डोल कंडेंसेशन करा दी, एल्डोल कंडेंसेशन करा के आपके पास ये वाला बना। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं ई क्या हो सकता है, ई बेसिकली PHC, आगे देखो यहाँ पे CH2 भी है, ठीक है, तो CH2 सी डबल बॉन्ड एच हो सकता है। ध्यान दें, क्योंकि इसका अगर आप एल्डोल करोगे तो यहाँ से एच प्लस जाएगा, दूसरे पर अटैक करोगे तो इस जगह पे ऐसा बन जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा तो पीएच साइड में रह जाएगा, तो आपका कहने का मतलब है कि ई जो होगा अपने पास ये। अब ई और डी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, तो सिंपल सी बात है ये वाला जो होना चाहिए ना, ये वाला कीटोन होना चाहिए। ठीक है, इसका फंक्शनल आइसोमर बना दिया कीटोन, और ओजोनलाइसिस कराने के बाद ये वाला बना, तो इसका मतलब सी जो था वो अपने पास क्या था, पीएच सी, CH3 को साइड में रख लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या कहते सी एच CH2, ये वाला पीएच। ठीक है, ये वाला अपने पास क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी ये होगा, क्योंकि इसका ओजोनलाइसिस कराओगे तब अपने पास ये वाला आएगा। अब इसको कॉन्ग H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, ये वाला क्या होना चाहिए, तो जाहिर सी बात ये वाला एल्कोहल होना चाहिए था। अब एल्कोहल अपने पास कौन सा, पीएच आ गया, देखो यहाँ पे CH3, ध्यान देना इस जगह पे मैंने क्या लिया, OH ले लिया, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक तरह से क्या आएगा अपने पास CH2 और PH आएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक बोला कि ये रिडक्शन करने पे ऐसा बना, मतलब एक यहाँ पे OH और H इधर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन करने पे कीटोन एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करने पे अपने पास ये आया, इसका मतलब यहाँ पे तो H आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाला OH यहाँ पे ना होके इस जगह पे आपके पास क्या होगा, OH होगा। अब ये वाला आपके पास क्या होगा, A हो गया, तो सॉरी ये वाला B हो गया। अब इसको आपने क्या किया, पहले रिडक्शन करा, तो इसका मतलब ये वाला क्या होना चाहिए था, सी डबल बॉन्ड O होना चाहिए था। अब आपके पास सी डबल बॉन्ड O आ रहा है, ये अपने पास ये, अब ये देखो ये कीटोन है जो कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, जबकि 2,4 डीएनपी टेस्ट देगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले डी को पहचान, डी हमने ये वाला बताया, ध्यान से देखना, डी हमने ये वाला था, ये डी की रिएक्शन इसके साथ करेगी, डी अपने पास PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है CH2 और NH2OH के साथ, तो ये तो वो वाली रिएक्शन अपने पास कौन सी, एक तरह से NH2OH के साथ बैकमन रिअरेंजमेंट, तो पहले अपन इसके साथ रिएक्शन करोगे तो PHC यहाँ पे CH3 N यहाँ पे OH। अब इसमें या तो सिन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपके पास एंटी हो सकता है, सिन एंटी होगा तो बैकमन रिअरेंजमेंट करोगे तो दो चांसेस है, PC डबल बॉन्ड NH PH3 या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे NH PH आ जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन में मैच कर रहा है ना वो आपके पास कौन सा कर रहा है, सेकंड में मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्या रहा है, आपके पास C के बारे में बताना है, तो अपने अभी अभी बताया कि C वाला जो है प्रोडक्ट कौन सा, ये वाला है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, तो सी सिंपल से हमने अभी बताया ये वाला होगा, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलिए, चलो तो पैराग्राफ वाली प्रॉब्लम्स फिनिश होगी,
आगे एमसीक्यू टाइप की प्रॉब्लम है, मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स दे रखी, ठीक है। चलो पहली प्रॉब्लम ध्यान देना, रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है, उस रिएक्शन के सीक्वेंस के अंदर आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड जो भी है इसकी वैल्यूज निकाल। देखिए सबसे पहले बेंजीन रिंग दे रखी, बेंजीन रिंग को एक्स के साथ रिएक्शन करेगा तो वाई बना, चलो यानी बीएच प्रोडक्ट। उल्टा चलते एक बार ऐसा करते, ये वाला दे रखा लास्ट वाला प्रोडक्ट देखते, ठीक है। चलो यहां पे एमजी इथर है तो मतलब ग्रिग्नॉन रिएजेंट पहले बना होगा, CO2 के साथ रिएक्शन करी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये जो था ना पीएच, हम ऐसा कह सकते पीएच सीएच, यहां पे बीआर और यहां पे C2H5, ये वाला रहा होगा क्योंकि एमजी के साथ रिएक्शन करेगा तो एमजीबीआर आएगा और CO2 के साथ रिएक्शन करेगा ये वाला CH बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे NBS के साथ रिएक्शन करने पे ये वाला बना है, इसका मतलब ये वाली जो बात है ना, ये वाला क्या बना होगा PHCH2 और C2H5 रहा होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों रहा होगा, क्यों, क्योंकि NBS एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉन्क HBr, कॉन्क HBr में इसका मतलब ये अल्कोहल भी रह सकता है, PH यहां पे क्या है OH और यहां पे C2H5, अल्कोहल भी रहा जा सकता है। अपने पास ये वाला और दे रखा है कि आपने N2H4 के साथ रिएक्शन किया, ध्यान देना N2H4 ये क्या डी मतलब रिडक्शन के लिए काम आता है, वुल्फ्सन रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वाई बेसिकली ये हो सकता है पीएच और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव, ठीक है। और बेंजीन, पहले आपके पास ये बेंजीन थी तो एक्स क्या रह सकता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती तो एक्स अपने पास क्या हो सकता है सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस साथ में ए एल सी एल थ्री हो सकता है। अगर ये लेंगे ना आप लोग तो इसका फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराओगे किसके साथ, बेंजीन के साथ, तब अपने पास पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव आ जाए। हम इनको क्या पूछा है एक्स के बारे में बताइए, तो एक्स के बारे में अभी अभी बताया सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड सी एल प्लस एक्स अपने पास फर्स्ट, ये बात सही। सेकंड वाली बात वाई, वाई के बारे में बताइए, तो वाई अभी अभी बताया कि यहाँ पे आपके पास जो वाई है रिडक्शन में, यहाँ पे आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है लेकिन यहाँ पे सी ओ एच आ रहा है, मतलब सेकंड वाली बात गलत। डब्ल्यू क्या हो सकता है, डब्ल्यू में हमने बताया कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो ये वाला ऑप्शन इसमें मैच करा है तो थर्ड वाला जाएगा। एंड एम क्या हो सकता है, एम बताइए, एम हमने बताया ना पी एच सी एच टू सी टू एच फाइव, तो पी एच सी एच टू सी टू एच फाइव मतलब फोर्थ वाला, तो इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ वाला आंसर आएगा, सेकंड इसके ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलिए, सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट, आपको बताना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट। देखो बी आर टू प्लस एन ओ एच ले रखा है तो ये ऑपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में काम आता है, ठीक है, ये वाला सी डबल बॉन्ड होगा, साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी काम आता है और हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ऐसा ऑप्शन में दे रखा है, तो ये वाली बात क्या है सही है। आगे चलिए सेकंड ऑप्शन सी एच सी एल थ्री प्लस एन ओ एच, सिंपल सी बात है, ये वाला क्या है राइमर टेमन रिएक्शन के अंदर यूज हो सकता है, राइमर टेमन रिएक्शन के अंदर ओ एच देने वाला ग्रुप है तो और तो प्वेश्चन पे सी एच आएगा, और साथ ही साथ ये कार्बिल अमीन टेस्ट में भी यूज होता है, तो एन एच टू दे रखा है ना, तो एन एच टू कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या होता है आर एन एच टू वन डिग्री अमीन है आर एन सी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे भी कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब सेकंड वाली बात भी क्या है सही। थर्ड वाली बात करें, आगे देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या करें एच एन टू के साथ, ये एच एन टू के साथ रिएक्शन करो तो एन टू पॉजिटिव बनेगा, एन टू पॉजिटिव यहाँ सट जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और रीअरेंजमेंट करोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका ये वाला भी ऑप्शन मैच कर लेगा। फोर्थ वाले में एच एन टू के साथ, एच एन टू के साथ में रिएक्शन करो पहले एन टू बनेगा फिर ये हटेगा तो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आएगा, फोर्थ वाली भी बात क्या है सही है, तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों आ जाएंगे। आगे चलिए थर्ड वाला स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन करेक्टली रिप्रेजेंटेड बताना है, ठीक है। देखो टेफ्लॉन जो है इसका स्ट्रक्चर ये होता है क्योंकि इसके अंदर सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू का पॉलीमेरिक फॉर्म होता है तो ये वाला बन जाएगा, ये वाले बात सही। आगे न्यूप्रीन, न्यूप्रीन का बेसिकली जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है वो क्लोरोप्रीन होती है, ये वाला सी एल ए यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे इसका पॉलीमर फॉर्म है, इसमें कार्बन पांच दे रखे जबकि हमारे पास होने कितने चाहिए चार, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टेरिलीन, टेरिलीन बेसिकली आपके पास क्या है इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हो साथ में टर्फथेलिक एसिड लेते हो तो टर्फथेलिक एसिड और ये लोगे तो ये पॉलीमेरिक चेन बन जाएगी, तो ये वाली बात सही आई। आगे देखिए नाइलॉन सी सिक्स, नाइलॉन सी सिक्स एडिपिक एसिड प्लस साथ में एक्सामिथिलीन डायमीन का पॉलीमेरिक फॉर्म बनेगा तो ये भी बात क्या है सही है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा आएगा वन कॉमा थ्री कॉमा फोर आएगा, सेकंड इसका ऑप्शन में नहीं आएगा। आगे चलिए फोर्थ वाला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन पार्टिसिपेट इन कपलिंग रिएक्शन, बताना है कौन कौन से कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो हमने बताया था कि डायजोनियम सॉल्ट जो है ना कपलिंग रिएक्शन के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए,
देखो CF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कपलिंग रिएक्शन, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनर की ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, SO3H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका 1.3 सेकंड आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए, पांचवा, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए नाइलॉन 6 इज होमोपोलीमर, सही बात है क्योंकि इसका मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो एक ही होती है। ठीक है, फिर बाद में कंडेंसेशन पॉलीमर है, सही बात है, चलो आगे चलो, डेक्रॉन इज कोपोलीमर, डेक्रॉन में मोनोमेरिक इथिलीन ग्लाइकोल भी होती है, साथ में टर्फ थैलिक एसिड भी होती है, तो कोपोलीमर है। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी बात सही। अगला चेक करें, न्यूप्रीन इज होमोपोलीमर, न्यूप्रीन का मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है, क्लोरोप्रीन, केवल एक ही होती है और एडिसन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ये भी बात सही। अगला देखो ऑर्लॉन, ऑर्लॉन बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पान होता है वही ऑर्लॉन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये होमोपोलीमर, इसमें मोनोमेरिक यूनिट एक्रिलोनाइट्रल एक ही होती है। ठीक है, फिर एडिसन पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ये भी बात क्या है, सही है, इसका मतलब आपका आंसर फोर्थ भी आएगा, तो 1.2.3.4 आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए, सिक्स वाली बात, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी रिएक्शन सही। देखो ये वाला जो है 2 डिग्री अल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्किल में अमोनिया बेस है, तो सिंपल सी बात है इसमें SN2 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है, जनरली स्ट्रॉन्ग बेस है तो जाहिर सी बात है E2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो अल्किन बन अल्किन बन जाएगा, तो ये वाली बात सही। आगे चलिए, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड रहेगा तो इसमें E2 की ही पॉसिबिलिटी है, और E2 की पॉसिबिलिटी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, इन्होंने SN2 वाली भी करा दी तो सेकंड वाली बात करें, थर्ड वाले में एलिमिनेशन करा रखा है तो सही बात है, और फोर्थ वाली बात में ध्यान रखिए HN2 के साथ रिएक्शन करोगे तो N2 पॉजिटिव बनेगा, N2 पॉजिटिव बाद में जब हट जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन का रिएजमेंट पॉसिबल है और पॉसिबल है लास्ट में अल्कोहल बन जाता है, तो ये भी बात सही। तो इसका आंसर कौन सा, 1.3.4 वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दे, सेवन प्रॉब्लम ध्यान दीजिए बड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू मेक इथाइल आइसोसाइनेट, आपको बनाना क्या इथाइल आइसोसाइनेट बना। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एलोफॉर्म कार्बिलमिन टेस्ट है, तो यहाँ पे CH3CH2NC बन जाएगा, इसमें इथाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, चलो आगे देखिए, यहाँ पे AgCN में NC अटैक करता है तो CH3CH2NC आ जाएगा, ये भी बात सही। इसके अंदर डी एडिटिंग एजेंट है तो डी एडिटिंग एजेंट POCl3 डी एडिटिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ पे CH3CH2NC, ये वाला भी सही। अगला वाला क्या कह रहा है, KCN में अटैक CN करता, भाई मेजर प्रोडक्ट में CN आता है, माइनर में NC बन सकता है लेकिन मेजर में आपके पास क्या आता है, CN आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन में नहीं आएगा, तो आपका आंसर कौन सा है, 1.2.3 आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, एट्थ वाली प्रॉब्लम देखिए भाई, एट्थ वाली, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल लूज नाइट्रोजन एटम एट ट्राई मिथाइल अमीन, मतलब नाइट्रोजन जो हटनी चाहिए वो आपके पास ट्राई मिथाइल अमीन की फॉर्म में हटनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन है। देखो एलिमिनेशन कराते, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो आप कितना भी मिथाइलेशन करा दीजिए ना, ये नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा क्योंकि इसमें बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे इस जगह पॉसिबल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या रहा है, बीटा आ रहा है, यहाँ पे अल्फा है बीटा आ रहा है और यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है, सभी जगह हट सकता होगा लेकिन यहाँ पे बीटा पोजिशन पर हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन बीटा इस फॉर्म में नहीं हट सकती, ये भी नहीं आ सकता। आगे देखो, यहाँ पे अल्फा और बीटा है, बीटा पोजिशन पर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इस जगह के अंदर बीटा पोजिशन पर हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, भले ही इस जगह पर नहीं आ रहा हो लेकिन इस जगह पर आ रहा है, जब आप इसको हटाओगे ना तो ये इस फॉर्म में हट सकती है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाइन्थ वाला प्रॉब्लम देखिए भाई, प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन फ्रॉम हेक्सामिथिल डायमिनियन एडिपिकेसाइड, नाइलॉन हेक्सामिथिल डायमिनियन एडिसन पॉलीमर का एग्जांपल, नहीं गलत बात, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली अमीन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे सिंपल ही बात है H2 का रिमूवल होगा, तो इसलिए कंडेंसेशन, होमोपोलीमर का एग्जांपल नहीं, ठीक है ना, कोपोलीमर का एग्जांपल क्योंकि इसके अंदर दो दो आपके पास क्या रहे, मोनोमेरिक यूनिट आ रही, दो अलग टाइप की, तो आपके पास इसका आंसर कौन सा आएगा, थर्ड एंड फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, टेंथ वाली प्रॉब्लम, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एट द पीएच, पीएच बताना है जो भी है दे रखा है,
ये आपके पास टू मतलब एसिडिक मीडियम ज्यादा है तो कैटेनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सिक्स पे न्यूट्रल है तो कैटेनिक और एनायनिक फॉर्म दोनों में रहेगा, ठीक है। और पीएच बराबर 9 पे आपके पास क्या है, पीएच ज्यादा है तो बेसिक मीडियम तो एनायनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रल है पीएच 12 तो इसका मतलब बेसिक मीडियम ज्यादा है तो एनायनिक फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल बता रखा है तो फोर्थ वाला आंसर गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 11th प्रॉब्लम क्या कर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहला देखो, ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, सही बात है। ये एम्पीसिलिन सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, सही बात है, ठीक है। बैक्टीरियो स्टेटिक नहीं होता, ये बैक्टीरियो सीडिल होता है और नैरो, तो आपका आंसर थर्ड एंड फोर्थ गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 12th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज फ्रॉम, अमीनो एसिड के अलग अलग तरीके अल्फा अमीनो साइनेट के फ्यूजन से हो जाता है, ठीक है ना। अल्फा अमीनो का मतलब क्या हुआ, अल्फा पोजीशन पे आपके पास क्या गया, एन एच टू ग्रुप आ गया और यहाँ पे सी एन आ गया, इसका हाइड्रोलाइज करोगे तो सी एच में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। एल डी हाइड बाई रिएक्शन विथ एन एच थ्री एंड साइनाइड, सिंपल सी बात है कि कोई भी एल डी हाइड अगर आपके पास दे रखा हो और आपके पास एस एन के साथ रिएक्शन करो उसके बाद में, तो सिंपल अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो पहले एन एच टू आ जाएगा एन एच, और एस एन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास आर एन एच टू, यहाँ पे क्या आएगा सी एन आएगा और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला सी एच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही। अगला देखो, अल्किल हैलाइड बाय रिएक्शन विद इनोलेट एंड डेराइव्ड फ्रॉम इथाइल एसीटो एसीटा एमिडो मेलेनोट, ठीक है ना। मैलिक एसिड आपको पता ही है, मैलिक एसिड के अंदर आप एन एच टू ग्रुप डाल दीजिए और उसका एन एन के साथ रिएक्शन करें, इनोलेट एन के साथ रिएक्शन करें, तभी भी आपके पास ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये भी सही बात है। एल्कोहल बाय रिडक्शन विद एन एच टू, देखो एल्कोहल अगर मैं ले लेता हूँ तो जैसे ये वाला एल्कोहल ले लिया, ठीक है ना, एन एच थ्री के साथ रिएक्शन करूंगा तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सी एन माइनस से ज्यादा ज्यादा एच प्लस को लेगा और ज्यादा ज्यादा अमीन का फॉर्मेशन होगा, हाई इसमें सी एच का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 13 क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, बैक्टीरियो सीडल एंटीबायोटिक आर दोज विल किल द माइक्रोब, सही बात है। बैक्टीरियो सीडक मतलब स्टॉप करता है, मतलब किल कर लेता है, जबकि बैक्टीरियो स्टेटिक क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है, जबकि ये मार देता है। अगला क्या कह रहे हैं, बैक्टीरियो स्टेटिक एंटीबायोटिक आर विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, सही बात है, ठीक है। ऑप्लेक्सिन, तो देखो पोआ पोआ, ठीक है ना, मतलब पेनिसिलिन हो गया, ऑप्लेक्सिन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरियो आपके पास सीडल होता है, स्टेटिक नहीं होता, ये गलत बात है, ठीक है। फिर बाद में पेनिसिलिन बैक्टीरियो स्टेटिक होता है, ये बात सही है, ठीक है। तो अपन इनकरेक्ट पूछा है, बैक्टीरियो स्टेटिक होता है, ये बात सही है, ये भी बैक्टीरियो स्टेटिक, बैक्टीरियो स्टेटिक, ध्यान दे, ये तीनों जो होते हैं ना, पोआ मतलब पी ओ एंड ए, ये बैक्टीरियो सीडल होते हैं, इन्होंने बैक्टीरियो स्टेटिक दे रखा है, तो ये बात गलत होगी भाई, ठीक है ना। तो बैक्टीरियो स्टेटिक है तो बात गलत होगी, तो इसका थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 14th प्रॉब्लम, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है आपके पास, ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मोलिक्यूल, जाहिर सी बात ओसोजोन का फॉर्मेशन होगा और इसके रिएक्शन के अंदर केवल ये दो स्टार्ट वाले कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे भाई, सब में दो स्टार्ट वाले कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड वुज ओसोजोन डेरिवेटिव विल हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट मतलब या तो कंपाउंड सेम बन जाए या फिर इसका क्या बनना चाहिए, एनेंसियोमर बनना चाहिए, क्योंकि एनेंसियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे देखो, पहले ग्लूकोज की अगर बात करो तो ग्लूकोज में स्ट्रक्चर ऐसा होता है भाई, CHO यहाँ पे CH2OH OH H OH H H OH और यहाँ पे क्या आएगा OH H, ठीक है। दो कायरल कार्बन पे ओसाजोन बनेगा, ठीक है, तो इनको तो आप भूल जाइए, बाकी के नीचे वाले जो आ रहे तीनों के कॉन्फिगरेशन या तो सेम होने चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो OH OH और OH 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 मिरर इमेज आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि एनिसोमेरिक फॉर्म हो सकती है भाई। आगे देखो सेकंड वाली बात क्या कह रहा है, यहाँ पे दो साइड में OH आया आया, एक साइड में OH आया, बाकी तो ये वाला पार्ट तो पूरा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी बात सही है, ये भी ऑप्शन में हो जाएगा। अगला देखो, ये दो OH और OH ऐसे आ रहा है, ये भी बात सही। अगला वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे बीच वाले का कॉन्फिगरेशन चेंज कर रखा है, तो ये मिरर इमेज नहीं बन पाएगी और नहीं बन पाएगी, इसका मतलब फोर्थ वाला आंसर नहीं हो पाएगा, तो आपका आंसर वन सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा। 15th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, विच इज करेक्ट फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बताना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में।
वंस गिवन ए शेप कैन नॉट बी रिमोल्डेड, थर्मोसेटिंग के लिए सही बात है, ठीक है, हाईली ब्रांच होता है, सही बात है, पॉलिथीन वगैरह ये नहीं होते भाई, इसमें बैकलाइट्स वगैरह एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है ना, लेस ब्रांच ये भी बात कर लेते, इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे चलिए 16 प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखो फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स, ठीक है ना, तो पहले सही की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है वो आपके पास फॉल्स आ जाएगा जो भी, तो पहले NOH इसके H प्लस को लेगा, NH2 माइनस, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, इस रिंग को तोड़ देगा, और इस रिंग को तोड़ देगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बाद में हाइड्रोलाइज कराओगे, ठीक है, तो फर्स्ट वाली बात तो होगी सही। फिर बाद में इसके साथ अगर रिएक्शन करोगे 2 मोल आयरोफॉर्म बनाएगा, नहीं, इसकी केवल 20 से ही रिएक्शन हो पाएगी, और 20 से रिएक्शन हो पाएगी तो केवल 1 मोल आयरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, तो सेकेंड वाली बात क्या होगी, गलत होगी। थर्ड वाली बात, ये वाला पॉसिबल प्रोडक्ट है क्या, ये हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि पहले SOCl2 ये यहाँ से लेगा, फिर बाद में ये यहाँ पे भी अटैक करके इस डबल बॉन्ड को इधर की तरफ भेज सकता है, ये वाला पॉसिबल है भाई, ठीक है। आगे देखो AgOH, AgOH के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले ये OG बनेगा, ये वाला में फ्री रेडिकल बनता है आगे भाई, हंस डिकर बोरोडी हंस डिकर रिएक्शन, फ्री रेडिकल बनेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, तो इसमें BR यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, दोनों ही सही है, तो गलत पूछा है तो आपका आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 17 प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइसोसाइनेट टेस्ट, देखो 1 डिग्री अमीन देता है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, लेकिन ये MID आगे ये नहीं देगा, ये 2 डिग्री अमीन है, ये भी नहीं देगा, 2 डिग्री अमीन नहीं देता, इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला देखो, आपको बताना है इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है अब, ठीक है ना, इसमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन किसके अंदर 1 से लेकर 9 बन सकता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ही होता है, इंट्रामोलिकुलर तो होता नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट यहां से CO को हटा दीजिए, यहां से भी CO को हटा दीजिए, और यहां से भी CO को हटा दीजिए, ठीक है, पहला ऑप्शन ये वाला बन सकता है, देखो NH2 14 नीचे डी आ रहा है, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड ये वाले में NH2D, NH2 यहाँ पे D पैरा पोजिशन पर, यहाँ पे मेटा पे आना चाहिए, ये वाला नहीं बनेगा। आगे देखिए 15 वाला, इसमें ये भी पैरा में आ रहा है, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बन जाएगा क्योंकि NH2 मेटा पे D आ रहा है, तो ये वाला बन जाएगा। आगे देखो 14, ये D यहाँ पे पैरा पे आ रहा है, यहाँ पे जबकि मेटा पे आ रहा है, ये वाला नहीं बनेगा, इसके अंदर ये मेटा पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, मेटा पे, तो यहाँ पे मेटा पे आ रहा है, ये वाला बन जाएगा। अगला देखो, ये वाला बनने के चांस है नहीं क्योंकि सभी में D आ रहा है, ये भी बनने के चांस नहीं, और ये भी कोई चांस नहीं, तो आपका मैचिंग जो करा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैच करा है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 03 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपको बताना है PI की वैल्यू x पॉइंट y के फॉर्म में दे रखी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो इसके अंदर बेसिक ग्रुप ये वाले 2 ले रखे, अपन को इसको भूल जाना है क्योंकि इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है ना, तो अपने पास कितना है 10.79 प्लस अपन को कितना लेना है 8.95, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू जाएगी वो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स रेस पॉइंट वाई में ले लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालनी आप, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉब्लम क्या करें, हाउ मेनी अमीन फॉर्मड व्हेन द मिक्सर ऑफ 1 and 2 अंडरगो वन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, कितने अमीन बनेंगे, देखें अच्छा इसका कॉन्फिगरेशन आपको फिक्स लेना है भाई, ठीक है, इसको हटाओगे तो एक ही अमीन बनेगा क्योंकि कॉन्फिगरेशन क्या है, फिक्स है, ठीक है, इसमें भी आपके पास एक अमीन बनेगा, तो टोटल कितने आएंगे, आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ वाला देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला वाला न्यूप्रीन इज मोनोमर ऑफ क्लोरोप्रीन, गलत बात, बेसिकली क्लोरोप्रीन मोनोमेरिक यूनिट किसकी, न्यूप्रीन की, आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल नंबर, सही बात है, ठीक है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 2 6 बायोडिग्रेडेबल होता है, सही बात है, और डेक्रोन इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, सही बात, एक चेन ग्रोथ, और चेन ग्रोथ में आपको पता है एडिशन वाला हो गया और दूसरा आपके पास कंडेंसेशन वाला हो गया, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए फिफ्थ वाला प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी अमीन गिव कार्बिन टेस्ट, 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, ये वाला 1 डिग्री अमीन, ये नहीं, ये वाला 1 डिग्री, ये 3 डिग्री नहीं, ये वाला 1 डिग्री अमीन, ये भी नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलिए सिक्स वाला प्रॉब्लम, PDI फॉर नेचुरल, देखो एक्चुअली में पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स नेचुरल पॉलीमर के लिए लगभग लगभग कितनी होती है, 1 के अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। अगला ई हैज हाउ मेनी हेलोजन्स, ठीक है, देखो सबसे पहले इसका आप लोग क्या करते हैं, बैकबोन रीअरेंजमेंट कराते, तो बैकबोन रीअरेंजमेंट कराओगे तो अपने पास आएगा CH3, क्या आएगा, एक तरह से C डबल बॉन्ड NH,
पीएच आ जाएगा, ठीक है। इसका आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो हाइड्रोलाइसिस किया तो यहां पे अपने पास पीएच एनएच टू बन जाएगा प्लस साथ में सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओएच बन जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला बन गया। अब आपने क्या किया, यहां पे बी इज इनसॉल्युबल लेयर, बी इनसॉल्युबल लेयर है वाटर के साथ, इनसॉल्युबल लेयर बना दिया, ठीक है, अपन देख लेते। ब्रोमीन वाटर के साथ पीएच एनएच टू, ध्यान रखिए पीएच एनएच टू मतलब एनिलीन है, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे ना तो सिंपल सी बात है, यहां पे एनएच टू ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तीनों जगह पे भी आ रहा है, क्योंकि एनएच टू बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। आपने क्या कि NaNO2 प्लस साथ में HCl के साथ रिएक्शन करा, तो ये वाला जो है N2 प्लस Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो CuBr HBr के साथ रिएक्शन करा है, तो एक तरह से गठबंधन रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां पे आपके पास Br आएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो E आ रहा है ना वो अपन लोग के पास क्या रहे, यहां पे Br है इस जगह पे Br और इस जगह पे Br और इस जगह पे Br। आपको पूछा गया कितने ब्रोमीन है हैलोजन एटम, तो जाहिर सी बात है चार ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हो गए, तो हैलोजन एटम चार आ जाएगा, आंसर चार आ जाएगा, ठीक है। एट्थ वाली प्रॉब्लम, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर, आपको बताना है कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है, पॉलीस्टाइरीन नहीं है भाई, नियोप्रीन भी नहीं, पान भी नहीं, और ये पॉलीइथिलीन थैलेट तरफ थैलेट, ये वाली बात सही है, डेक्रॉन है बेसिकली, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नाइन्थ प्रॉब्लम क्या करें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड पीएच, आपको बताना है, देखो एक चीज ध्यान रखना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन इन्होंने क्या है बोला है कि pH बराबर 6 पे कंसंट्रेशन ऑफ ज्यूटराइन किस पे होगा, pH की मैक्सिमम वैल्यू बताने, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, pH प्लस pOH बराबर कितना होता है, 14 के बराबर होता है, pH की वैल्यू 6 के बराबर दे रखी, तो इसका मतलब pH की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस 6 की इक्वल टू 8, तो इसका आंसर 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए टेंथ, आपके पास अमीनो एसिड दे रखे किसमें, एरोमेटिक स्केल्टन है, ठीक है, बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक बताना भाई। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे आपके पास ये ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच एन एच टू, यहाँ पे सी एच, और इस जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं लेना है, यहाँ पे बेंजीन लेना, ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है, इसमें एरोमेटिक स्केल्टन प्रेजेंट है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे एन एच, ये मैं इसमें एरोमेटिक स्केल्टन नहीं, स्टीरिन, अगर इसकी मैं ये बेंजीन नहीं घटा दूँ और यहाँ पे एन डाल देता हूँ तो ये स्टीरिन, लेकिन इसमें एरोमेटिक वाला पार्ट ये वाला आ रहा है, तो ये भी सही। फिनाइल एलिनिन के अंदर बेंजीन आ रही है, ये भी सही। टायरोसिन, टायरोसिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, फिनोलिक ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है, तो फिनोलिक ग्रुप होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास इसके अंदर भी एरोमेटिक। आर्जिनिन, आर्जिनिन में ये वाला ग्रुप होता है, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, और यहाँ पे NH आगे CH2, आगे बाद में CHOH आएगी, ये भी नहीं होगा, और सेरिन में भी नहीं होगा, तो एरोमेटिक ग्रुप किस में आएंगे, एक दो तीन, तो आंसर कितना आएगा, तीन आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई।